मैकेनिक्स हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, कि हमारा एक रफ इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर जो हमारी इक्विलिब्रियम बॉडी है उस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बताया था कि तीन तरह के हमारे मेथड होते हैं जिस मेथड के द्वारा हम बात कर सकते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी के बारे में ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन की, किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि दो तरह के हमारे उसके अंदर मोशन होते हैं। एक होता है मश मोशन ऑफ द अप बॉडी, यानी कि बॉडी का ऊपर की तरफ मोशन, एक होता था डाउन मोशन। सेकंड हमारा कौन सा था मेथड? सेकंड हमारा था हॉरिजॉन्टली, और थर्ड हमारा था फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल टू द इंक्लाइन प्लेन। तीन हमारे मेथड थे, आपको बताया था कि दो हमारे मेथड है जिनके बारे में हमें पूछा गया है। तो वो मेथड कौन कौन से थे? एक तो हमारा फर्स्ट मेथड होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा होगा एट एन एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। पहले के बारे में हमने बात की थी जिसके अंदर आपको बताया था कि दो तरह का मोशन होगा बॉडी के अंदर। एक बार फर्स्ट टाइम हम करेंगे जब मोशन अपसाइड होगा, यानी कि मोशन ऑफ द बॉडी अप द प्लेन, मोशन ऑफ द बॉडी अप द प्लेन, यानी कि इस तरह से जो मोशन हो रहा है वो हमारा अप द मोशन रहेगा, और जब मोशन इस तरह से नीचे की ओर शो होगा तो वो हमारा मोशन कौन सा होगा? डाउन द मोशन। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड हमारा कौन सा है? फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑन इंक्लाइन प्लेन, कि एक इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर जो एंगल पे फोर्स एक्ट कर रही है उस दौरान हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम किस तरह से रह रही है। तो इसके अंदर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली है, और ये हमारा क्या है? इंक्लाइन सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर एक बॉडी को हमने क्या किया है? प्लेस किया है बॉडी को, या फिर बोल सकते हो ब्लॉक है जिसका वेट क्या है? W, कि एक बॉडी है या फिर ब्लॉक है जिसका वेट हमारे पास क्या है? W है, उसको हमने क्या किया है? प्लेस किया है एक इंक्लाइन रफ सरफेस के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर इक्विलिब्रियम के बारे में कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही चीज जो हम उसमें करते हैं कि लेट अस कंसीडर, कि हमने माना है कि हमारे पास एक इंक्लाइन रफ सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस की है जिस बॉडी का वेट क्या है? W है, जो बॉडी का वेट हमारा क्या रहेगा? W रहेगा। और इसके अंदर भी मोशन जब हम बात करेंगे तो मोशन दो तरह का रहेगा, एक मोशन होगा मोशन अप टू द अप, और दूसरा मोशन कौन सा रहेगा? डाउन मोशन। तो सबसे पहले हम जो मोशन के बारे में बात करेंगे वो हमारा मोशन कौन सा रहेगा? वो रहेगा अप मोशन के अंदर। इसके अंदर भी सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने बात की थी जो लास्ट हमारा था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो हमारा थीटा है, जो थीटा है वो क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा किससे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, यानी कि जो हमारा थीटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फाई से थीटा क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपको क्या बताया कि दो तरह का मोशन होगा, कौन कौन सा? अप और डाउन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मोशन अप द प्लेन के बारे में। दो तरह का मोशन है, एक अप एंड डाउन। फर्स्ट हम बात करते हैं मोशन अप टू द प्लेन। देखो कि मोशन अप टू द प्लेन, अप यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम अप के बारे में बात करेंगे। जब हम करेंगे डाउन, तो ये जो मोशन है ऊपर की तरफ जा रहा है वो मोशन कैसे हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो सबसे पहले अप मोशन पे बात करते हैं। तो अप मोशन के अंदर वही सेम चीज हमने कंसीडर करना है कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? एक बॉडी को प्लेस किया है जिस बॉडी का वेट क्या है हमारे पास? W है। हम मेन चीजें जो उसमें करते थे वही यहाँ पे लिख लेते हैं कि W हमारा यहाँ पे क्या है? W का मतलब होगा वेट ऑफ बॉडी। W हमारा क्या है? वेट ऑफ बॉडी, जब वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ, ठीक है, W हमारा क्या है? वेट ऑफ बॉडी, वेट। उसके बाद R है, R का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। जो R यहाँ पे रहेगा तो R का मतलब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स भी लग रही है जिसको हम लिखते हैं F के साथ, F यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। P मतलब आपको पहले भी बताया, P का मतलब अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स किसी बॉडी के ऊपर उसको मूव करवाने के लिए ऊपर की तरफ। तो हमने क्या लिखा कि W का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वेट, जो हमारी, उसके बाद R है, R का मतलब क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन। F क्या बन जाएगी? F का मतलब होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर हम इसको किसके साथ लिखते होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, जो भी हमारा होगा, ठीक है, कि F इज इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। किस चीज के इक्वल होगा? हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसके इक्वल रहेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब और क्या बचा इसके अंदर? पी। तो पी का मतलब क्या है? पी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पी क्या हो जाएगी? अप्लाइड फोर्स। पी यहां पे क्या रहेगी? अप्लाइड फोर्स। तो अब हम सेम जैसे हमने बात की थी, ये तो हम इंक्लाइन प्लेन के अंदर बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने बात की थी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें भी हमने ये चीज यहां तक सेम लिखी थी। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, यानी कि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? पी और आर के, की जो हमारी अप्लाइड फोर्स है। पहले हम अप्लाइड फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कि आर की वैल्यू क्या होगी और पी की वैल्यू क्या होगी। तो पी, तो देखिए पी, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी है, यानी कि ये वाला जो पी हम फोर्स लगा रहे हैं, तो पी क्या है यहाँ पे? पी इज इक्वल टू, पी के साथ क्या है? कोस, ठीक है, पी है, तो पी के साथ हमारे पास क्या बचा हुआ है? पी कोस, यहाँ पे है पी कोस, पी कोस बीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पी कोस बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी गामा, तो पी कोस टा इज इक्वल टू, ठीक है, पी कोस बीटा इज इक्वल टू, ये वाला है पी, क्योंकि हमारी क्या है, ये जो लग रही है ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे क्या है? पी अप्लाइड फोर्स है। तो हमने पहले निकालना है इस तरह से मोशन, यानी कि हॉरिजॉन्टली जब हम मोशन निकालेंगे पी पे बात करेंगे, तो पी पी के साथ क्या रहेगा? पी कॉस बीटा, हम इस चीज को निकालेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, एफ यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये वाला एफ, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस में डब्ल्यू थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू थीटा आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू थीटा, ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा, जो भी हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी, देखनी ये हमारा क्या है? अप्लाइड फोर्स है, जहां से हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो हमने इसकी कंसीडर बात करनी है पहले पी पे। तो पी पे बात करेंगे तो पी कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमने निकालना है आर, तो आर को हम किस तरह से निकालेंगे? आर सिंगल है, इज इक्वल टू, साथ में इज इक्वल टू सामने क्या है? डब्ल्यू कोस थीटा, डब्ल्यू आर के सामने क्या हमारा आ जाएगा? डब्ल्यू कोस थीटा, डब्ल्यू कोस थीटा माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा? जब हम आर की बात कर रहे हैं किसी एंगल के ऊपर, अब हमारा यहाँ पे क्या है? एंगल क्रिएट हो रहा है, तो वो एंगल बन जाएगा पी साइन थीटा, यानी कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है पी साइन बीटा, पी साइन बीटा, ये एंगल क्रिएट हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन बनेगी ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? देन वी इक्वेशन फ्रॉम गेट इक्वेशन फ्रॉम वन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से हम ये सारी इक्वेशन जो भी है उस चीज से निकालेंगे कि किस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो फोर्स एक्ट कर रही है एंगल के ऊपर इंक्लाइन, वो कैसे है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन के यहां से कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? ये। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या निकाल सकते हैं कि सेम वैल्यू लिखेंगे, जहां पर हमारी f है f की जगह पे हम क्या कर देंगे? वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? p cos बीटा इज इक्वल टू f इज इक्वल टू f है, तो f की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई में क्या आएगा? प्रोडक्ट किसका होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं, तो p cos बीटा इज इक्वल टू f की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ये f की जगह आ गया, प्लस में उसके बाद हमारे पास क्या है? w sin थीटा, तो w sin थीटा को हम क्या लिखेंगे? एज इट सेम लिख लेंगे, w sin थीटा। नेक्स्ट फिर वही p cos बीटा इज इक्वल टू, इसको सेम लिखेंगे। अब देखिए r, r है, r की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो हम r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? जहां पर जो हमें r दिया हुआ है, तो r की जगह पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? उस r की जगह पे पुट कर देंगे। तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं? w cos थीटा माइनस p sin बीटा,
ये हमने क्या किया जस्ट कि जो हमारी r की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू उस जगह पे हमने r की जो हमारी सेकंड इक्वेशन के अंदर वैल्यू हमने निकाली थी नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया r की जगह पे प्लस w sin थीटा बाकी सेम एज इट सिर्फ एक चेंज किया है r के स्थान पे ये पुट किया ये कहां से आया ये आया यहां से जो हमने अभी सेकंड इक्वेशन के अंदर निकाला था तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे p cos बीटा is equal to अब क्या करेंगे इनकी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि जो म्यू है यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको w cos थीटा और माइनस p sin बीटा है इनके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा w cos थीटा माइनस p sin बीटा प्लस प्लस में क्या आ जाएगा w sin थीटा प्लस में क्या हो जाएगा हमारा w sin थीटा हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किया कि जो हमारा म्यू था उसको हमने क्या कर दिया दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है यानी कि जो पी कोस थीटा है ये तो हमारा रहेगा हमने क्या करना है जो पी है इसको क्या करेंगे आगे रख लेंगे यानी कि पी है उसको क्या करेंगे बाहर रख लेंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन निकाल सकते हैं जैसे कि पी कोस बीटा ये हमारा है हमें दिया हुआ है p cos बीटा तो हमने क्या करना है जो p cos बीटा है इसको क्या करना है बाहर रख लेंगे जो p है इसको हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे ये वाला इस तरह से मतलब ये cos है बीटा ये हमारे पास क्या है sin थीटा ये वाला क्या करेगा इस तरफ आके क्या अंदर क्या है माइनस का है जब हम इसको बाहर की साइड लेके आएंगे तो बाहर की साइड आके ये किसका बन जाएगा प्लस का समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू ये चीज है तो इस चीज को क्योंकि p sin थीटा p है यहां पे p है p बीटा है ये भी बीटा है तो इस बीटा वाली इक्वेशन को जब हम बाहर लेके आएंगे यहां पर क्या है अंदर को माइनस किया तो बाहर आके किस चीज की बन जाएगी प्लस की तो हमने क्या किया इसको प्लस कर दिया u p sin बीटा इज इक्वल टू अंदर हमारे पास क्या बचा w cos थीटा प्लस में w sin थीटा ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बच गई अंदर ठीक है हमने क्या किया जिस जो माइनस की वैल्यू थी यानी कि जो हमारी बीटा थी हमने उसको क्या कर दिया बाहर की साइड यानी कि अंदर से हम उसको बाहर ले गए अंदर क्या थी वो माइनस की थी तो बाहर जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इस साइड वो कुछ किस चीज की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी अब हम देखो इन दोनों चीज के अंदर कॉमन क्या है कॉमन हमारे पास है पी तो पी की जो वैल्यू है पी को हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे पी जो वैल्यू है पी को हम क्या करेंगे बाहर तो अंदर हमारे पास क्या बचा कॉस बीटा माइनस म्यू साइन बीटा यही वैल्यू बची क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे पी जो वैल्यू है हमारी पी को हमने क्या किया बाहर रखा है तो बाहर रखेंगे तो कॉस बीटा माइनस में साइन बीटा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट हम क्या करेंगे इज इक्वल इस तरफ देखिए हमारे पास क्या है डब्ल्यू कॉमन है तो हमने क्या करना है डब्ल्यू को हम बाहर रखेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा म्यू कोस थीटा प्लस में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा यही वैल्यू बचेगी क्योंकि हमने क्या किया है जो चीज कॉमन थी दोनों साइड पे हमारी इस साइड और इस साइड जो चीज कॉमन है हमने उस कॉमन चीज को क्या किया बाहर रख लिया तो इसके अंदर p कॉमन था p को बाहर रखा p cos बीटा प्लस म्यू है तो p है p को बाहर रखा w था w को बाहर रख दिया अंदर ये बचा w तो बाहर तो अंदर क्या बचा sin थीटा बचा अब हम क्या करेंगे कि जो म्यू है इसकी वैल्यू हमें पता है कि म्यू क्या होता है इज इक्वल टू होता है tan phi ठीक है ये क्या होता है tan phi और tan phi आगे इक्विलेट होता है tan phi को हम किस तरह से लिखते होते हैं sin phi डिवाइड बाय में cos phi तो मतलब जहां पर ये वैल्यू है वहां पे हम सीधा क्या लिख सकते हैं sin phi डिवाइड बाय में cos phi कर सकते हैं जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर हम क्या लिख सकते हैं जहां पर भी ये वैल्यू है वहां पे sin phi और cos phi लिख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं sin phi और cos phi लिख सकते हैं ठीक है ये सॉरी प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस था ना यहां पे प्लस रहेगा तो हमने क्या करना है ये वाली वैल्यू है उसकी जगह पे मतलब ये वाला जो चीज है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देनी है तो p cos बीटा प्लस में sin phi डिवाइड बाय में cos phi और साथ में क्या है sin बीटा ठीक है sin phi डिवाइड बाय में cos phi साथ में क्या है sin बीटा इसी प्रकार w म्यू है यहां पे हमने क्या कर देना sin phi और cos phi उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी sin phi डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारा cos phi sin phi डिवाइड बाय में cos
फाइ प्लस साथ में क्या है कोस, तो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये वैल्यू लिखी। यहां तक समझ में आ रहा है क्या किया हमने कि जो ये वाला वैल्यू है यानी कि हमारी ये वाली जो वैल्यू है यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह पे क्या पुट किया, हमने जो टेन फाइव है टेन फाइव की वैल्यू हम पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह पे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम टेन फाइव लिखते हैं, टेन फाइव को जो हम आगे इक्वेट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है साइन फाइव डिवाइड बाय में कोस फाइव। तो वही जो साइन फाइव और कोस फाइव है वो वैल्यू हमने इस वाली जगह पे यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह पे हमने पुट कर दी साइन फाइव की टेन फाइव की वैल्यू, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या फिर जिसको टेन फाइव बोलते हैं वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो इस तरह से इतना हमारा निकला, ठीक है, ये हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यहां तक हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, cos phi है, cos phi जो भी हमारी वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे, जो जो भी ये वैल्यू है इस वैल्यू को हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। किस तरह से कर सकते, देखिए cos बीटा है, cos बीटा को cos phi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos बीटा मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगा cos phi, cos बीटा मल्टीप्लाई cos phi, ठीक है, cos phi प्लस में cos phi से cos phi किया कट, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ sin phi, हमारे पास क्या बचेगा sin phi sin beta, फर्स्ट आ गया, सेकंड w है cos phi है, cos phi को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos phi को पहले cos phi के साथ करेंगे तो एक एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे sin phi के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा sin phi, सबसे पहले sin phi होगा sin phi, उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos phi के साथ तो क्या होगी वैल्यू, जो आ जाएगी cos थीटा cos phi, वो हमारी क्या बन जाएगी cos थीटा cos phi, ठीक है, cos थीटा cos phi जो वैल्यू हमारी सेकंड रहेगी वो हमारी क्या बन जाएगी cos थीटा cos phi, ठीक है, यहां पे आ जाएगी cos थीटा, ठीक है, प्लस में cos थीटा cos थीटा हो जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बच जाएगा sin थीटा, प्लस में आ जाएगा sin थीटा और cos phi, प्लस में sin थीटा और cos phi, ये वैल्यू आ जाएगी जब हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos phi को, cos phi को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ, cos थीटा करेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा हमारे पास क्या आ जाएगी cos phi आएगी, यहां पे भी नीचे हमारा क्या रहेगा cos phi डिवाइड और यहां पे भी क्या रहेगा cos phi का डिवाइड, दोनों साइड हमारे पास क्या है cos phi का डिवाइड आएगा। अब हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो हमने p और w दोनों की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको बताया था स्टार्टिंग में हमने p यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है हमने किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए अपसाइड, तो वो फोर्स निकालनी है और साथ ही साथ जो निकालना है W यानी कि जो नीचे की ओर जो वेट लग रहा है हमारे बॉडी का जो ब्लॉक का, तो P को हम यहां से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, P इज इक्वल टू, P हमारा यहां पे क्या रहेगा P इज इक्वल टू, हमने क्या करना है cos, दोनों के अंदर हम क्या करेंगे cos थीटा, जो हमारा cos है cos को हम बाहर रख लेंगे, अंदर हमारे पास मतलब जो भी कट रहा है cos phi से cos phi कट देंगे, जो भी हमारा sin phi sin से sin जो भी चीज कट रही है इन दोनों साइड से कि cos phi है cos phi कट जाएगा, यहां पे sin theta है sin phi कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या p cos और अंदर क्या बचेगा माइनस में phi। इसी तरह जो दूसरी साइड है दूसरी साइड भी हमारे पास बचेगा w sin phi प्लस phi प्लस में सॉरी थीटा प्लस में फाइव, ये चीज बचेगी हमारे पास जब हम वैल्यूएट करेंगे पी कोस थीटा, यानी कि जो भी हम कट माइनस कर देंगे यहां से जो भी चीज कटती होगी उन चीजों को काट देंगे, तो हमारे पास पी कोस बीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में फाइव, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में फाइव डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा पी कोस चकोस कोस बीटा माइनस में फाइव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, किस चीज की वैल्यू होगी ये हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू किस चीज की आ जाएगी, जो हमारा यहाँ पे इसको ऊपर करके लिख देते हैं,
कि ये वैल्यू रहेगी हमारी टी की वैल्यू, कि टी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो होगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में फाइव डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास कोस बीटा माइनस में फाइव। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस एट एन एंगल इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो हमारी वैल्यू रहेगी। तो देख लीजिए स्टार्टिंग से हमने क्या किया कि हमने एक रफ हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम बॉडी के बारे में बात करनी है ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारे पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक इक्विलिब्रियम बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बताया कि तीन तरह के हमारे पास मेथड्स रहेंगे जिन तरीकों से हम डेरिवेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं। कौन कौन से वो मेथड है, सबसे पहले मेथड कौन सा होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, कि जो भी हम इक्विलिब्रियम की बात करें वो हम करेंगे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा होगा हॉरिजॉन्टली, और तीसरा हमारा कौन सा रहेगा एट एन एंगल टू द इंक्लाइंड प्लेन। हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की थी कि जो हमारे अलोंग द बॉडी था, अलोंग के बॉडी के अंदर भी हमने दोनों जो मोशन रहेंगे अप मोशन एंड डाउन मोशन दोनों मोशन के बारे में बात की, उनके ऊपर किस तरह से हम ड्राइव करते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी को किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड हमारा कौन सा है फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल टू द इंक्लाइंड प्लेन, कि एक इंक्लाइंड प्लेन है उसके एंगल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है तो उस दौरान किस तरह से बॉडी को इक्विलिब्रियम रखा जा सकता है। तो ये हमारा डायग्राम होगा, ये हॉरिजॉन्टली होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके ऊपर एक इंक्लाइन हमारा रफ सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर एक बॉडी प्लेस है। ये क्या है हमारी एक बॉडी प्लेस है इंक्लाइन सरफेस प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे R है नॉर्मल रिएक्शन, W का मतलब होगा वेट जो बॉडी, F का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और P का मतलब क्या रहेगा जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले हमने P निकालना है, तो P कैसे निकालेंगे, P cos बीटा, ठीक है P cos बीटा प्लस में क्या आ जाएगा W sin थीटा, ठीक है P cos बीटा W हमारे साथ क्या आ जाएगा sin, जहां पे क्या आ जाएगा sin थीटा F के साथ, और R की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी W cos थीटा माइनस में P sin बीटा, जो हमारा P माइनस P sin बीटा है इसके साथ हम क्या करेंगे इस चीज को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद नेक्स्ट हम आगे इक्वेशन निकालेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेम एज इट यहां पे लिखेंगे, F की जगह पे सिर्फ हमने क्या करना है कि जो हमारा F है F की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे, F की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की, बाकी सेम एज इट का सेट रहेगा। नेक्स्ट P cos beta is equal to mu, जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमें R है तो R की वैल्यू हमें ये चीज दी हुई है, तो हमने क्या करना है जो R है R की जगह पे क्या पुट कर देना, R के स्थान पे ये जो वैल्यू हमें दी हुई है इस वैल्यू को हम R वाली जगह पे पुट कर देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे की R की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सेम एज इट का एज इट, और बाकी सेम रहेगा यहाँ से रहेगा। अब हमने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारी इक्वेशन है उसको हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि u है इसको w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस बाकी सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये है, और इसके अंदर से हमने क्या करना है, यहाँ पे जाकर क्या करना है कि ये तो हमारे पास बीटा है, अंदर हमारे पास बीटा कौन सा है ये वाला सर, हम इसको क्या करेंगे बाहर की साइड यानी कि जो इक्वल है इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, इस साइड माइनस में है तो जब हम दूसरी साइड पे इसको लेके आएंगे तो ये किस चीज का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का। तो हमने यहाँ पे प्लस का इसको साथ लिखा, बाकी सेम एज इट जो भी हमारी इक्वेशन है उसको सेम का सेम लिखा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो हमारी वैल्यू है हमने P इसमें से कॉमन ले लिया, P को बाहर क्योंकि P यहाँ पे भी था P यहाँ पे भी है, दोनों में से P को कॉमन लिया, बाकी इक्वेशन सेम लिख दी। यहाँ पे हमारे पास W है इस साइड भी W, तो W को हमने कॉमन लिया बाकी सेम एज इट लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला वैल्यू है यानी कि जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है इस चीज को हम एक और चीज से डिनोट करते हैं, वो होता है टेन फाइव। टेन फाइव होता है जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से हम निकालते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की सहायता से एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से निकालते हैं ड्राइव करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके जगह टेन फाइव, और टेन फाइव को जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं साइन फाइव डिवाइड बाय में कोस फाइव। तो अब जहां पर भी ये वैल्यू है यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी जगह पे हमने मान ली दो जगह है तो वहां पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, सेम वैल्यू को दोनों पर जगह पे पुट कर दिया। अब हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि कोस फाइव है, कोस फाइव को जो भी ऊपर संख्या है उन संख्याओं से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कोस फाइव को इन सारी
इक्वेशन से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज बचेगी, उसके बाद जो भी चीज हमारी यहाँ पे कट रही है उन चीजों को आपस में काट देंगे, जैसे cos phi है तो cos phi कट जाएगा हमारे पास, उसके बाद जो जैसे cos phi है तो cos phi कट गया, sin phi है तो sin phi कट जाएगा, sin beta है तो sin beta उसके साथ कट जाएगा, जो मतलब जो भी वैल्यू हमारी कट रही है उस कटने के बाद हमारे पास लास्ट पे क्या बच जाएगा, p cos beta minus phi is equal to w sin थीटा माइनस थीटा प्लस में फाइव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जब हम बात करेंगे फोर्स एक्टिंग एट एंगल इंक्लाइन प्लेन की, किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अप मोशन के अंदर, ठीक है। हमने कौन सी बात की है, अप मोशन, क्योंकि आपको बताया था कि दो तरह का मोशन होगा इसके अंदर भी, जैसा हमारा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के अंदर था वैसा ही हमारा होगा एट एन एंगल टू द इंक्लाइन प्लेन, उसके अंदर भी हमने दो तरह के मोशन की बात की थी, एक अप मोशन दूसरा डाउन मोशन। अभी हमने अप मोशन के बारे में तो बात कर ली, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाउन मोशन के बारे में कि जब ये मोशन इस तरह से नीचे की ओर होगा, डाउन मोशन होगा, उस दौरान हमारी इक्वेशन किस तरह से तैयार होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।